नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं सवाल जवाब सिलाई सखी के साथ। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। कविता कलवागे जी ने कमेंट किया है, मैम हमें पीछे का गला 3 का लेना है तो शोल्डर कितना लेना चाहिए। कविता जी, आपने जो कमेंट किया है, आपको पीछे गला 3 चाहिए तो आप शोल्डर 6 इंच रखना है आपको। अगला कमेंट है सार्थक सुराना जी का, इन्होंने कमेंट किया है, मैम आपने बताया कि 10 या 10 से बड़ा गले में 5 का शोल्डर रखना, पर आपने 6 का रखा है। तो सार्थक जी, आपने जो कमेंट किया है तो हमने 6 इंच रखा है, तो चेस्ट के हिसाब से रहता है। तो जैसे कि आप अगर गला 5 का बना रहे हैं तो आपको आधा इंच मार्जिन लेना है, तो इस हिसाब से अगर 32 का बना रहे हैं तो 5 इंच आपका गला है तो आधा इंच मार्जिन 5.5 लेना है, तो हमने इसमें 34 का बताए थे। ये जाता है साइज के ऊपर भी रहता है, और ये भी निर्भर करता है कि गला हमारा कितना डीप है। तो जैसे कि अगर आपने शोल्डर की तरफ 2 इंच रखा है तो नीचे 2.5 रखा है, इतना ज़्यादा डीप नहीं है। अगर आपका गला ज़्यादा डीप है तो आपका शोल्डर जैसे नीचे की तरफ आपका ऊपर 2 है, नीचे आपका 3, 3.5 इस प्रकार से जाता है, 3.25, तो ये डीप गला बनता है। तो जैसे आप गला ऊपर बनाते हैं, शोल्डर कम रखेंगे और डीप ज़्यादा, तो इसको डीप गला हम बोलते हैं। इसके लिए हमने 5 इंच बोला है, लेकिन साइज के ऊपर भी रहता है। अगर 32 इंच का बना रहे हैं तो आप अगर 5 इंच शोल्डर कर रहे हैं तो नीचे अगर आप 2.5 इंच रखें तो इतना डीप नहीं होता, ज़्यादा डीप है तो उसके लिए आपको 5 इंच रखना है, लेकिन आधा इंच आपको मार्जिन लेना है, क्योंकि 1/4 इंच आपका पाइपिंग में जाएगा, 1/4 इंच आपका जब हम आस्तीन जोड़ते हैं तब, ठीक है। अगला कमेंट है संजना सिंह जी का, इन्होंने कमेंट किया है, 32 इंच का ब्लाउज में कटोरी कितना इंच पे निकालना है प्लीज बताएं। तो संजना जी, ये आपकी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, आपकी ब्लाउज की लंबाई कितना है तो उस हिसाब से आपको लेना है। जैसे कि अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई 13 इंच पे तैयार है तो आप नीचे से 2 इंच छोड़ के आप कटोरी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ब्लाउज है तो आपको शोल्डर से नाप लेना है, और आपका कटोरी कहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पे आपका योग लगता है वहाँ तक आपको नापना है। अगर जैसे कि अगर 9 इंच पे आपका तैयार है कटोरी, आपको 1 इंच मार्जिन देना है, 10 इंच पे लेना है। अगर 10 पे तैयार है 11 इंच, 1 इंच आपको मार्जिन लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग कटोरी निकालते हैं। अगला कमेंट है विनोद कुमार जी का, इन्होंने कमेंट किया है, मैम बेल्ट नहीं बताया। विनोद जी, आपने जो कमेंट किया है, हमने आपने जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है वो वीडियो 2x ब्लाउज का है, तो उसमें बेल्ट नहीं लगता है, तो उसमें हमने बेल्ट नहीं लगाया है। अगला कमेंट है सीता गुप्ता जी का, इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम बैक गला 9.5 का होता तो शोल्डर गला कितना होता। शीतल जी, आपने जो कमेंट किया है, अगर आपका बैक गला 9.5 इंच है, आप शोल्डर 6 इंच रखेंगे, गला आप 2.5 इंच रख सकते हैं और बाकी शोल्डर का पट्टी आएगा आपका। अगला कमेंट है दिव्या देसाई जी का, कितनी लंबाई पर शोल्डर से कटोरी तक लंबाई ले सकते हैं और योग की लंबाई। तो दिव्या जी, आपने जो कमेंट किया है, शोल्डर से आपका जो शोल्डर होता है, शोल्डर से आपकी कटोरी, तो जैसे कि आपके पास ब्लाउज है, अगर आपके पास ब्लाउज नहीं है तो जैसे कि यहाँ से शोल्डर, आपको अगर आपके पास ब्लाउज नहीं है तो लंबाई जितना है आपको उस हिसाब से योग निकालना। योग कैसे, 3.5 एक तरफ लेते हैं, एक तरफ 2.5 इंच लेते हैं, तो 2.5 और 3.5 को मिला देते हैं और बाकी हम कटोरी का निकाल लेते हैं, तो लंबाई का पर निर्भर करता है, आपने लंबाई नहीं लिखा है। अगला कमेंट है तारा चौधरी जी का, इन्होंने कमेंट किया है, मैम आपने फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन 4 टक्स में के लिए 1 इंच लिया, तो फिर आपने टक्स को 1+1 2 इंच क्यों लिया। तो तारा जी, आपने जो कमेंट किया है, 4 टक्स ब्लाउज में हमने बैक साइड में 1 इंच मार्जिन रखा है। अगर आपका ब्लाउज 13 इंच पे तैयार है तो आप 13.5 इंच भी ले सकते हैं, 14 इंच भी ले सकते हैं, कैसे आप मार्जिन कितना दबाते हैं। अगर आप 1/4 इंच दबाते हैं तो आपका 1/2 इंच में हो जाएगा, अगर आप 1/2 इंच दबाते हैं तो आपको 1 इंच मार्जिन लेना है। और हम 4 टक्स में 2 इंच, 1+1 करके 2 इंच क्यों लिया, जैसे कि हम टक्स लगाते हैं और हमारा शोल्डर में जाता है, उस हिसाब से हम मार्जिन लिए हैं। अगला कमेंट है जनमोनी जी का,
इन्हों ये लिखती हैं कि क्लास ख़त्म करके हमको भूलना नहीं दीदी और नई नई क्लास लेकर आते रहिए, ये मेरी आपसे अनुरोध है। तो जन्मुनी जी आप हमारे बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं, तो हम आपको साथ नहीं छोड़ेंगे, हम कुछ न कुछ आपके लिए लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है बालाजी सेरिकर जी का, इन्होंने लिखा है थैंक यू मैम, इस लॉकडाउन में आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो बालाजी आप लोग का इतना प्यार देके हमको बहुत खुशी हुई, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है फकरे नसीर जी का, इन्होंने कमेंट किया है योग पट्टी वाला फोर टक्स किस तरह से ले हर साइज में, इसका आइडिया बताओ। तो फकीर जी आपने जो कमेंट किया है, तो ये जो कमेंट है आपका जो ब्लाउज है उसके लंबाई के ऊपर रहता है। अगर आप फोर टक्स का बना रहे हैं तो आपका जो डॉट पॉइंट होता है ऊपर शोल्डर से आता है, तो जैसे इसकी लंबाई रहते उस प्रकार से लिया जाता है। जैसे डॉट पॉइंट होता है हमारा ऊपर से 9 इंच आता है, 10 इंच आता है, तो जैसा आपका 9 इंच पे डॉट पॉइंट आता है तो 9 इंच से आप सीधा लाइन ले लीजिए, 1 इंच बढ़ा के मार्जिन, क्योंकि हमारा आधा इंच शोल्डर में जाता है, आधा इंच हमारा कमर में जाता है। तो इस प्रकार से आपको 1 इंच मार्जिन लेना है और डॉट पॉइंट के हिसाब से आपको हर साइज में निशान लगा लेना है। अगला कमेंट है राठौर भगवती जी का, इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम आर्मोर में चुन्नट आती है तो कटिंग कैसे करें वो बताएं। तो राठौर जी आपने जो कमेंट किया है, तो चुन्नट आती है तो जैसे आर्मोर की कटिंग तो सेम होता है, तो इसमें कटिंग की कोई बात नहीं होती है। जब हम आस्तीन जॉइंट करते हैं तो खींच के आपको जॉइंट नहीं करना है, आपको आराम से लगाना है। अगर आप खींच के करेंगे तो उसमें चुन्नट आएगा। अगला कमेंट है तारिणी वर्मा जी का, इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम जब मैं ब्लाउज में फिटिंग सिलाई देती हूँ तो लाइन सीधी नहीं आती है, प्लीज मैम बताए क्या करूँ। तो तारिणी जी आपका जो फिटिंग में सिलाई नहीं आती है, तो आपका ब्लाउज जब सिल के हो जाता है तो लास्ट में हम फिटिंग करते हैं, तो आपको चेस्ट का 1/4 लेना है, कमर का 1/4 लेना है, और जो हम आस्तीन की गोलाई जहाँ पे हमारी बाहें की लंबाई ख़त्म होती है तो होता है आस्तीन के राउंड जो हम बोलते हैं दंडगेर, तो इसका हाफ आपको निशान लगा लेना है। और एक चेस्ट का आएगा यहाँ पे और एक आएगा आर्मोर जो राउंड यहाँ पे आता है और एक कमर पे आएगा, तो ये लाइन पे आपको निशान लगा के आपको इस पे सीधी लाइन मार देना है, तो आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। अगला कमेंट है सरिता साख्या जी का, इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम 38 साइज के लिए बैक नेक डीप 11 इंच है और शोल्डर 5 इंच है, तो मुझे गला के तरफ से 2 या 2.5 इंच काटते से डर लगता है, इसके लिए हम क्या करें बताएं। तो सरिता जी आपने जो कमेंट किया है, आपका जैसे 2 या 2.5 काटते समय जैसे कि होता है जो हमारे यहाँ पट्टी होती है, आपने डीप नेक गला बना रहे हैं, आपका गला जो है 11 इंच का है बैक साइड का लंबाई में, तो आपका जो ये पट्टी होता है आप बोल रहे हैं 2 या 2.5 काटते समय हमको डर लगता है, तो आप जैसे इसमें 2 इंच अगर गला काट रहे हैं और अगर आपका बैक साइड 11 इंच है, तो आपका ये निर्भर करता है कि आप 2.5 इंच नीचे की तरफ ले रहे हैं 3 इंच, अगर आप 3 इंच 3.5 इंच 3.5 लेते तो आपका डीप गला बनता है, ओके। और यहाँ पे गले की तरफ से अगर आपकी पट्टी को आपको पट्टी कितना चाहिए, जो हमारा गले की तरफ पट्टी आता है अगर आप 2.5 इंच पर ले रहे हैं तो आपका बाकी पट्टी आएगा, जैसे कि छोटा पट्टी, अगर आपको छोटा पट्टी कम चाहिए तो आप 2.5 इंच गला कटिंग कर सकते हैं, उसमें आपका 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा, और 2 इंच अगर चौड़ी पट्टी चाहिए तो आप गला 2 इंच काटिए। तो दोस्तों सवाल जब आपका क्लास अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ये संडे के कमेंट से आप लोग का जो डाउट है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता होगा, और जिन बहनों का कमेंट रह गया होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल दे, फिर हम अगले संडे आप लोगों के साथ सवाल जवाब के साथ मिलेंगे। तो एक बड़ी सूचना ये है कि जैसे कि हमने आप लोगों को ब्लाउज का कोर्स कराया टेलरिंग गुरुकुल कोर्स, जैसे 16 ट्यूटोरियल हमारा था, तो हमारा 16 ट्यूटोरियल जो था वो कंप्लीट हो गया, तो अभी आप आगे क्या सीखना चाहेंगे कि जैसे कि ड्रेस हुआ, पटिया सलवार हुआ, जो भी आपको सीखना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा हम आगे फिर वो क्लास चालू कर देंगे, वो भी फ्री में सिखाएंगे आप लोग, जैसे हमने ब्लाउज का सिखाया कोर्स किया वैसे हम ड्रेस का भी कोर्स चालू कर देंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, उन बहनों तक पहुँचाइए जिन बहनों को ज़रूरत है।
तो इसी तरह आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपके लिए एक नए से नए आपके लिए कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों समझे सीखिए सफल बने, वीडियो देख लीजिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।